क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने अपनी सक्सेस का राज क्या बताया है? और फास्ट फूड आखिर येलो कलर का ही क्यों होता है? और एक ऐसा जहाज जो समुंदर की बजाय पहाड़ पर टिका हुआ है। अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आपके साथ इसी तरह की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 18, लंगूर जिन्हें बेहद अकलमंद बंदर माना जाता है, और जब इसकी अकलमंदी चेक करने के लिए इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया तो सब इसका बिहेवियर देखकर हैरान रह गए। भारत में होने वाले एक एक्सपेरिमेंट से ये लोग हैरान रह गए जब एक नकली बंदर के आगे लंगूर का एक झुंड रोने लगा। इनके बर्ताव को देखने के लिए इनके आगे एक रोबोटिक बंदर को छोड़ा गया। छोटा सा ये बंदर काफी देर वहाँ बैठा रहा, तभी एक मादा बंदर उसके पास आई, उसे अपनी गोद में उठाया और दरख्त पर चढ़ गई। नॉर्मली माँ जब अपने बच्चे को गोद में लेती है तो बच्चा उसे जोर से पकड़ लेता है, लेकिन चूंकि ये एक रोबोट था और मादा बंदर की पकड़ से छूट कर नीचे गिर गया। माँ ने जब उसे दोबारा फिर से उठाया और उसे लगा कि बच्चे की जान उसकी वजह से गई है, इस एहसास ने उसे बेचैन कर दिया और वो रोने लगी। और थोड़ी देर बाद झुंड में मौजूद बाकी लंगूर भी उसके पास आए और रोने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसान किसी की डेथ पर रोते हैं और जब हम उसे खो देते हैं। और दूर खड़े एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग भी इस सीन को देखकर इमोशनल हो गए। तो मतलब यही निकलता है कि जानवर भी इमोशंस और फीलिंग्स रखते हैं, जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 17, दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज भला कौन सी है? इंग्लिश? जी नहीं, दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है चाइनीज, उसके बाद आती है स्पेनिश, फिर उसके बाद आती है इंग्लिश, और उसके बाद आती है हमारी हिंदी, मतलब हिंदी और उर्दू इकट्ठी दोनों ही। यार वैसे बड़ी बात है यार, दुनिया की चौथी बड़ी लैंग्वेज हिंदी है, इसका मतलब है कि हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन में इंक्लूड होते हैं। फैक्ट नंबर 16, आपने बहुत सारी सुपर कार का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा या गेम्स में मौजूद जो पोस्टर्स होते हैं उनको, मतलब बहुत ज्यादा थ्रिल और एक सुपर वे में। आपको पता है ये एड्स आखिर किस तरह से बनाए जाते हैं? तो इस सीन को देखो, आप पता चला कि ये क्रिएटर किस तरह से सुपर अट्रैक्टिव पोस्टर्स को बनाते हैं। एक छोटे से खिलौने को ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ाकर और पानी का शावर करके कितनी खूबसूरती के साथ कैमरे में कैप्चर कर लिया जाता है, और बहुत सारे एड्स ऐसे ही बनाए जाते हैं जनाब, रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 15, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट, ये तो आपको पता ही है, ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। एक बार इन पे डॉक्यूमेंट्री बनाई गई और इन्हें अलग अलग कमरों में ले जाया गया। इनसे सवाल किया गया कि आप अपनी सक्सेस का राज बताइए इंडिपेंडेंटली, और वो भी सिर्फ एक वर्ड में। और पता है दोनों ने एक ही वर्ड लिखा। वैसे आपके ख्याल में कौन सा वर्ड हो सकता है? तो वो वर्ड था फोकस, मतलब कोई भी काम हो उसे इज्जत और सीरियस होकर टैकल करो, ना कि इधर उधर भागो। और हमें हमेशा अपने टारगेट्स और गोल्स पे फोकस रखना चाहिए, और ये वर्ड किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि दुनिया के दो बड़े टाइकून, उन्होंने बोला है। अब उन्होंने बोला है तो हमें भी तो सीरियस लेना पड़ेगा ना, है ना। फैक्ट नंबर 14, एक रबर बॉल को लें और एक शीशे की बॉल को लें और उन दोनों को जमीन पर फेंके तो आपके ख्याल में कौन सबसे ज्यादा बाउंस करेगी? अगर दोनों बॉल्स को नीचे फेंका जाए और शीशे की बॉल को ऐसा सर्विस प्रोवाइड किया जाए कि वो टूटे ना, तो शीशे की बॉल सबसे ज्यादा बाउंस करेगी। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आपको किसी चीज की बाउंसिंग कैपेसिटी को चेक करना है तो आप एक चम्मच लेकर उसके ऊपर टक टक कीजिए। अगर उसमें ज्यादा नॉइज आएगी तो इसका मतलब है वो ज्यादा बाउंस करेगी, टेक्निकली और साइंटिफिकली। थोड़ा अटपटा सा है बट यही रियलिटी है। फैक्ट नंबर 13, इस इमेज को देखिए, ये इंटरनेट की सबसे क्यूटेस्ट इमेज मानी जाती है। इस इमेज में एक छोटी सी बच्ची टीवी में जो कार्टून बियर रो रहा है उसके आंसू पहुंच रही है। कितनी हमदर्दी है ना इस छोटी सी बच्ची के दिल में। सच में जब मैंने पहली बार इस इमेज को देखा तो मुझे ये बहुत इंस्पायरिंग लगी। इसी से मिलती जुलती एक और इमेज को देखिए, जिसमें एक छोटी सी बच्ची को लग रहा है कि वो गिर गया है और वो उसकी हेल्प कर रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये एक स्टैचू है। काश के हम सब लोग भी ऐसे हो जाएं, तो मानो दुनिया जन्नत हो जाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं। फैक्ट नंबर 12, ये फैक्ट उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिन्हें नींद नहीं आती। रात को जब आप सोने के लिए जाओ और जिस पोजीशन में आप लेटे हुए हैं और 15 मिनट तक उसी पोजीशन में लेटे रहें, तो आपको नींद आनी ही आनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम अपने आप को 15 मिनट के लिए सस्टेन नहीं रख पाते और इधर उधर करवट लेना शुरू कर देते हैं या मोबाइल यूज करना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आ पाती। दरअसल जब हमारी बॉडी रिलैक्स होती है तो हमारे दिमाग को एक सिग्नल भेज दिया जाता है कि अब सब कुछ ओके है, तो हमारे दिमाग सोने का एक केमिकल रिलीज करता है जिससे हमारी बॉडी को रिलैक्स मिलता है और हमें नींद आना शुरू हो जाती है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। फैक्ट नंबर 11, आपके घर में जो लेमन आता है, अगर मैं आपसे कहूँ ये कुदरती नहीं है बल्कि मैनमेड है, तो आपको शायद थोड़ा अजीब लगे कि ये लीमू कुदरती नहीं बल्कि हाइब्रिड करके तैयार किए गए हैं, मतलब दो पौधों को मिक्सअप करके एक नया पौधा तैयार करना। और इसका ओरिजिन जहाँ से इसे बनाया गया है वो ये है, बिटर ऑरेंज प्लस सिट्रॉन, इन दो पौधों ने मिलकर लेमन को बनाया था। और सिट्रॉन को देखना तो क्या आपने कभी उसका नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि कभी किसी ने बताया ही नहीं इस फैक्ट के बारे में। इसी तरह स्वीट ऑरेंज और ग्रेपफ्रूट, ये भी कुदरती नहीं बल्कि मैनमेड है, हाइब्रिड के जरिए से इनको तैयार किया गया है। सो हमेशा याद रखिए, ये कुदरती
ही नहीं बल्कि इंसानी हाथों से तैयार शुदा है। फैक्ट नंबर 10, एक बाइक साइकिल को आप ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड तक चला सकते हैं। जैसे कि कार 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा और मोटरसाइकिल 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलता है, तो इसी तरह अभी तक बाइक साइकिल्स को इंसानों ने 144.18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चलाया है, जो कि बहुत स्पीड बनती है यार। मतलब लाहौर से इस्लामाबाद जाना हो तो 2.5 घंटों में इंसान पहुंच सकता है। फैक्ट नंबर 9, अब इस इमेज को देखिए, ये जहाज आखिर पहाड़ के ऊपर क्या कर रहा है। तो दरअसल ये जहाज नहीं बल्कि एक होटल है जो साउथ कोरिया में समुद्र के किनारे पर बनाया गया है, और इस होटल का नाम है सन क्रूज होटल। विजिटर्स को अट्रैक्ट और अपने होटल की ब्रांडिंग के लिए इनके क्रिएटर्स ने एक ऐसा आइडिया निकाला जो होटल रिजॉर्ट भी लगे और एक जहाज भी। तो फाइनली उन्होंने इस जहाज को क्रिएट किया और ये आइडिया सक्सेसफुल भी रहा और दुनिया में अभी तक यूनिक भी है। अगला फैक्ट बताने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू। फैक्ट नंबर 8, ये इमेज हमारे लाइफ सर्कल को बयान करती है। जब हम यंग होते हैं तो हमारे पास बहुत टाइम होता है और बहुत एनर्जी, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं होते। और इसी तरह जब हम जवान हो जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे पास पैसा और एनर्जी तो होती है, लेकिन उस पैसे और एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हमारे पास टाइम तो होता है, पैसे भी होते हैं, लेकिन उन पैसे और टाइम को स्पेंड करने के लिए हमारे पास वो एनर्जी नहीं होती जो हमारे पास यंग एज में होती है। वैसे देखा जाए तो यही हकीकत है, बहुत कम लोग अपनी जिंदगी को उस तरह से एंजॉय कर पाते हैं, जो शायद हर किसी के बस की बात नहीं। फैक्ट नंबर 7, अगर कोई इंसान आपसे गले मिले और वह 6 सेकंड तक आपसे लिपटा रहे तो याद रखिए, वो इंसान सबसे ज्यादा आपको प्यार और आपकी इज्जत करता है और आपकी केयर करता है। सो हमेशा अपने प्यारों का ख्याल रखिए। दुनिया में बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन अच्छे दोस्त और मुखलिस लोग बहुत कम मिलते हैं, सो प्लीज इनकी हमेशा इज्जत करें। फैक्ट नंबर 6, स्ट्रॉन्ग हॉर्न एंटीलॉप, इनके देखने की कैपेसिटी पता कितनी होती है, हम इंसानों से 10 गुना ज्यादा। इसको यूं समझते हैं कि जब आसमान क्लियर हो तो ये जानवर यहां से सैटर्न प्लैनेट के रिंग को आसानी देख सकते हैं, जो देखा जाए तो बहुत दूर है और हम इंसानी आंख से नहीं देख पाते और हमें टेलीस्कोप की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन ये जानवर उसे आसानी देख पाते हैं। फैक्ट नंबर 5, अगर आपकी मंथली सैलरी 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा है तो याद रखिए आप 4% richest पीपल की लिस्ट में आते हैं। फैक्ट नंबर 4, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, इनको देखकर लगता नहीं कि ये खुद ब खुद वजूद में आए हैं। देखिए ना, सूरज हमें रोशनी देता है, चांद हमारे क्लाइमेट को मेंटेन करता है, जुपिटर और सैटर्न जैसे प्लैनेट्स हमें एस्ट्रॉइड्स और कमेट से बचाते हैं। मतलब सोलर सिस्टम एक स्टार सिस्टम नहीं बल्कि एक फैमिली है, क्योंकि हर चीज तरतीब से चलती है और ये कुदरत का एहसान है हम पे। फैक्ट नंबर 3, 10 जुलाई 1913 को अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया में आज तक का सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो बाद में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, और वो टेम्परेचर था 56.7 डिग्री ग्रेड, जो अभी तक कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। ये इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि अगर आप वहाँ पे किसी सड़क के ऊपर अंडा फोड़ दें तो वो 2 मिनट में पक जाएगा। फैक्ट नंबर 2, आप कई बार रेस्टोरेंट्स पे गए होंगे और आपने फ्रेंच फ्राइज का ऑर्डर करवाया होगा। क्या आपको पता है कि फ्रेंच फ्राइज को फ्रेंच फ्राइज क्यों कहा जाता है? क्या ये फ्रांस ने बनाए थे? तो इसका जवाब है नहीं, ये सबसे पहले बेल्जियम में बनाए गए थे, और जब बेल्जियम अभी आजाद ही हुआ था फ्रांस से, और चूंकि अमेरिकन सोल्जर्स ने इन्हें आजाद करवाया था फ्रांस से, तो अमेरिकन सोल्जर्स ने फ्रेंच सोल्जर्स को चढ़ाने के लिए एज अ निकनेम के तौर पे इन्हें फ्रेंच फ्राइज का नाम दिया, और वहां से इसका नाम फ्रेंच फ्राइज पड़ गया, और आज भी इसे फ्रेंच फ्राइज के नाम से ही जाना जाता है। फैक्ट नंबर 1, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में मोस्टली आपने देखा होगा कि जो फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स और रेस्टोरेंट्स के जो कलर्स होते हैं उनका टोन ज्यादातर येलो होता है। अब ये येलो कलर क्यों होता है? कोई और कलर भी तो हो सकता है, लेकिन आखिर ये येलो कलर ही क्यों ज्यादा दिखाया जाता है? तो इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जो येलो कलर होता है वो आपकी भूख को स्टिम्युलेट करता है, मतलब आपके दिमाग में जो भूख वाला पार्ट होता है उसको स्टिम्युलेट करता है ये येलो कलर। सो उसी स्टिम्युलेशन के चलते जनरली ये देखा गया है कि रेस्टोरेंट्स में ये येलो कलर ही यूज किया जाता है। इसके साथ ही आपसे इजाजत, मेरी वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।